पेरिस 1911। यह वह समय था जब शहर अपने सांस्कृतिक और कलात्मक उत्कर्ष पर था। लूवर म्यूजियम अनगिनत खजानों का घर, यह संग्रहालय दुनिया भर के कला प्रेमियों के लिए एक तीर्थ स्थल था। उनमें से लियोनार्डो दा विंची की मास्टरपीस मोनालिसा शांति से टिकी हुई थी। यह पेंटिंग अपने रहस्यमय मुस्कान और अद्वितीय आकर्षण के लिए जानी जाती थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह पेंटिंग कभी गायब हो सकती है। 21 अगस्त की सुबह, वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक साधारण सुबह जो इतिहास में दर्ज हो गई। मोनालिसा, दुनिया की सबसे पहचानने वाली पेंटिंग, गायब हो गई, हवा में घुल गई। इस जुर्म की हिम्मत देखकर हर कोई दंग रह गया। यह एक ऐसा कृत्य था जिसने सभी की कल्पना को झकझोर दिया। चोर लूवर के पवित्र हॉल में घुसे, उसकी सुरक्षा को चकमा दिया और पेंटिंग लेकर आराम से बाहर चले गए। यह कारनामा किसी फिल्मी कहानी जैसा था, मानो किसी भूत ने परछाई चुरा ली हो। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी व्यक्ति को सिहरन पैदा कर सकता था। लगभग 30 घंटे तक दुनिया बेखबर रही इस सदी की सबसे बड़ी कला चोरी से अनजान। लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे जबकि एक महान कृति गायब हो चुकी थी। इस खोज ने पेरिस और कला की दुनिया में हलचल मचा दी और सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। इतनी बड़ी चोरी दिन दहाड़े, ये एक ऐसा सवाल था जिसने सभी को हैरान कर दिया। दुनिया के सबसे सुरक्षित संग्रहालयों में से एक में कैसे हो सकती है? सबके मन में यही सवाल घूम रहा था। इसका जवाब ऐसा लग रहा था हिम्मत, चालाकी और किस्मत का एक मेल था। एक इंटरनेशनल तलाशी का मंच तैयार था जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। मोनालिसा के गायब होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। दुनिया भर के अखबारों ने इस खबर को अपने पहले पन्ने पर छापा। कला की दुनिया में हंगामा मच गया। तरह तरह के अंदाजे लगाए जा रहे थे, एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब। लूवर, जो कभी कला और संस्कृति का केंद्र था, अब एक अनसुलझे अपराध का दृश्य बन गया था। जांच तेज और दूर तक पहुंचने वाली थी। संदिग्धों में सनकी कलेक्टरों से लेकर प्रतिद्वंद्वी कलाकार तक शामिल थे। यहां तक कि क्रांतिकारी चित्रकार पाब्लो पिकासो से भी पूछताछ की गई। चोरी हुई मास्टरपीस को वापस पाने के लिए पुलिस पर बहुत दबाव था। जनता रहस्य से मोहित होकर जांच के हर मोड़ पर नजर रखे हुए थी। मोनालिसा, जिसे कभी कला प्रेमी पसंद करते थे, अब वैश्विक बातचीत का विषय बन गई थी। किसी को नहीं पता था कि यह बेधड़क चोरी अनजाने में पेंटिंग को अकल्पनीय प्रसिद्धि तक पहुंचा देगी। इस दुस्साहसिक चोरी का मास्टरमाइंड विंसेंजो पेरुगिया था, एक इतालवी अप्रेंटिस जो लूवर में काम करता था। पेरुगिया का जन्म 1881 में इटली के डोमोडोसोला में हुआ था। एक साधारण परिवार से आने वाला यह युवक बेहतर जीवन की तलाश में पेरिस आया था। पेरुगिया देशभक्ति की गलत भावना से प्रेरित होकर मानता था कि मोनालिसा सही मायने में इटली की है। उसने सोचा कि यह पेंटिंग नेपोलियन द्वारा चुराई गई थी और इसे इटली वापस लाना उसका कर्तव्य था। वो खुद को चोर नहीं बल्कि एक देशभक्त मानता था जो एक चोरी हुए खजाने को उसके असली घर लौटा रहा था। पेरुगिया का मानना था कि वह एक नायक है जो अपने देश के लिए एक महान कार्य कर रहा है। उसने मोनालिसा को चुराने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई थी। उसने पेंटिंग को सुरक्षित रूप से निकालने और उसे बिना किसी को शक हुए बाहर ले जाने के लिए हर कदम की योजना बनाई थी। पेरुगिया ने चोरी की सावधानी पूर्वक योजना बनाई थी। उसने लूवर के लेआउट, उसके सुरक्षा नियमों और गार्ड्स के रूटीन को जानने के लिए महीनों तक अध्ययन किया। वो लूवर के लेआउट, उसके सुरक्षा नियमों और गार्ड्स के रूटीन को जानता था। उसने यह भी देखा कि किस समय गार्ड्स का ध्यान सबसे कम होता है। उसने उस कांच के केस को बनाने में भी मदद की थी जिसने कभी मोनालिसा की रक्षा की थी। ये जानकारी उसे पेंटिंग को निकालने में बहुत मददगार साबित हुई। उसकी अंदरूनी जानकारी और थोड़ी किस्मत ने उसे वो करने दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने पेंटिंग को बिना किसी को शक हुए निकाल लिया और उसे अपने अपार्टमेंट में छुपा दिया। 2 साल तक पेरुगिया ने मोनालिसा को फ्लोरेंस में अपने छोटे से अपार्टमेंट में एक ट्रंक में छुपा कर रखा। उसने पेंटिंग को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने धैर्यपूर्वक हंगामे के कम होने का इंतजार किया, यह मानते हुए कि वो अंततः पेंटिंग को इटली लौटा सकता है और उसे हीरो माना जाएगा। उसने सोचा कि एक दिन वह अपने देशवासियों के बीच एक महानायक के रूप में खड़ा होगा। हालांकि लगता है किस्मत के कुछ और ही मंसूबे थे। पेरुगिया की योजना के बावजूद वह अंततः पकड़ा गया और मोनालिसा को वापस लूवर में लाया गया। पेरुगिया की कहानी एक अद्वितीय मिश्रण है देशभक्ति, दुस्साहस और त्रासदी का। उसकी यह चोरी इतिहास में एक अनोखी घटना के रूप में दर्ज हो गई। विडंबना यह है कि जिस चोरी का मकसद मोनालिसा को गुमनामी में लौटाना था, उसी ने उसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिला दी। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने कला की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। चोरी से पहले पेंटिंग भले ही पसंद की जाती थी, लेकिन कोई ग्लोबल आइकॉन नहीं थी। लोग इसे देखते थे, सराहते थे, लेकिन यह किसी भी तरह से असाधारण नहीं मानी जाती थी। यह बस एक और उत्कृष्ट कृति थी जो लूवर के विशाल संग्रह का हिस्सा थी। यह चोरी, रहस्य और उसके बाद का मीडिया का हंगामा था
जिसने मोना लिसा की रहस्यमयी मुस्कान को दुनिया की सामूहिक चेतना में उकेर दिया। अचानक हर कोई इस पेंटिंग के बारे में बात कर रहा था और यह एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गई। अपडेट्स के लिए तरस रही जनता मामले की हर जानकारी को निगल गई। हर नई जानकारी, हर नया सुराग लोगों की उत्सुकता को और बढ़ा देता था। ये एक ऐसा समय था जब मीडिया ने इस घटना को एक बड़े तमाशे में बदल दिया। मोना लिसा को अखबारों, पत्रिकाओं और पोस्टकार्ड में छापा गया। यह पेंटिंग हर जगह थी और इसकी छवि ने लोगों के दिलों और दिमागों में एक स्थायी छाप छोड़ दी। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे अनदेखा करना असंभव था। इस पर कैफे में चर्चा हुई, सैलून में बहस हुई और मंच पर पैरोडी की गई। यह पेंटिंग हर किसी की जुबान पर थी और इसके बारे में हर कोई अपनी राय दे रहा था। ये एक ऐसा विषय बन गया था जो हर किसी को जोड़ता था। पेंटिंग जो कभी लूवर के पवित्र हॉल तक ही सीमित थी, दुनिया में भाग निकली थी, रहस्य और साजिश का प्रतीक बन गई थी। यह एक ऐसी कहानी थी जिसने लोगों की कल्पना को जकड़ लिया था और इसे भुलाना मुश्किल था। मोना लिसा जितनी देर तक गायब रही, उसकी प्रसिद्धि उतनी ही बढ़ती गई। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई इस पेंटिंग के बारे में जानना चाहता था और इसकी हर जानकारी को संजो कर रखता था। जो एक दुस्साहसिक चोरी के रूप में शुरू हुआ था, वो अनजाने में इतिहास का सबसे सफल कला मार्केटिंग अभियान बन गया। यह एक ऐसा अभियान था जिसने मोना लिसा को एक साधारण पेंटिंग से एक वैश्विक आइकॉन में बदल दिया। यह एक ऐसा उदाहरण है जो दिखाता है कि कैसे एक घटना कला की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। मैं लिसा घेरार्दिनी हूँ, मुस्कान के पीछे वाली महिला। मेरा जीवन साधारण था, फिर भी मेरी छवि एक रहस्य बन गई है। लिसा घेरार्दिनी एक अमीर फ्लोरेंटाइन व्यापारी की पत्नी को लियोनार्डो दा विंची ने अमर कर दिया। मेरी नजर, मेरी मुस्कान कहते हैं बहुत कुछ, फिर भी बताते हैं बहुत कम। मोना लिसा की पहचान अंतहीन अटकलों और आकर्षण का विषय रही है। कुछ को खुशी दिखती है, कुछ को गम, आपको क्या दिखता है? मोना लिसा का असली सार खुद महिला की तरह ही मायावी बना हुआ है। लियोनार्डो दा विंची की प्रतिभा मोना लिसा के हर स्ट्रोक में साफ दिखाई देती है। उनकी तकनीक, जिसे स्फुमाटो के नाम से जाना जाता है, रंगों और टोन के बीच एक कोमल क्रमिक परिवर्तन बनाती है जिससे पेंटिंग को जीवंत गुणवत्ता मिलती है। कपड़े की नाजुक सिलवटों से लेकर बैकग्राउंड में जटिल परिदृश्य तक, दा विंची का हर चीज पर ध्यान देना उनके बेजोड़ कौशल को दर्शाता है। मोना लिसा सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं है, यह लियोनार्डो की महारत और मानवीय भावों की उनकी गहरी समझ का प्रमाण है। मोना लिसा की अपील सदियों से कम नहीं हुई है। दुनिया भर से लोग उसे देखने के लिए, उसकी सुंदरता और रहस्य से विस्मित होने के लिए लूवर आते हैं। इस पेंटिंग ने अनगिनत कलाकारों, लेखकों और विचारकों को प्रेरित किया है। उसकी मुस्कान, उसकी नजर, वे हमें मोहित करती हैं, हमें चुनौती देती हैं और हमें मानव आत्मा के रहस्यों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती हैं। मोना लिसा एक प्रतीक बनी हुई है, कला की समय और स्थान से परे जाने की शक्ति का प्रतीक, और इसलिए रहस्य जारी है। मोना लिसा में ऐसा क्या है जो हमें साल दर साल वापस आने पर मजबूर करता है? शायद यह खुद रहस्य है, वो सवाल जो अनुत्तरित रहते हैं, वो रहस्य जो पूरी तरह से कभी सामने नहीं आते। मोना लिसा न केवल कला की उत्कृष्ट कृति के रूप में, बल्कि एक स्थायी रहस्य के रूप में बनी हुई है जो मोहित और प्रेरित करती रहती है।